Welcome to all of you and my dear students too. Welcome to my channel English Study with Anand. जो आपका एग्जाम आने वाला है 10th और 12th का, जो मई या जून में होने वाला है, जिसका प्रिपरेशन मैं सभी ग्रामर पोर्शन का करवा रहा हूँ. इनके एक दो वीडियो हमने डाल दिया है, डुएल डायरेक्टेड का डाल दिया है और ऑप्शन चुनने का डाल दिया है और बच्चों की डिमांड पर ही हमने काम किया है और उन्हीं के डिमांड से मैं ट्रांसलेशन जो आपके एग्जाम में आते हैं वही टोटल में ट्रांसलेशन लेकर के आई हूँ. हालांकि मैं ट्रांसलेशन पढ़ा ही रही थी पर समय बहुत लग जाता है, इसलिए मैं वही सेंटेंस लेकर के आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो उन सेंटेंसेस को आप देखेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे. तो चलते हैं. तो आपको करना क्या है, ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यानी कि हिंदी में सेंटेंस दिए हैं और आपको उन्हें इंग्लिश में सीखना है. यदि आपको कहीं भी कठिनाई होगी तो उसके लिए मैं कुछ वीडियोस और बना दूंगी जिनमें चार्ट बना के दे दूंगी, जो आपको पूरे के पूरे सेंटेंस समझ में आ जाएंगे, पूरे टेंस का ट्रांसलेशन भी बन जाएगा. तो इसके आगे मैं वही कर दूंगी तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. तो हम चलते हैं आज का जो हमारा वीडियो उसको देखते हैं कि उसमें कैसे सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं. आप एक चीज देख लीजिए, ये सेंटेंस आपके बहुत दिनों से आ रहे हैं, वही रन करते रहते हैं और वही आपको आते जाते हैं. यदि आप सीख सकते हैं ट्रांसलेशन तो बहुत ही अच्छी बात है. नहीं सीख सकते हैं तो एक दो बार उसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करिए, या तो माइंड में बैठा लीजिए या तो फिर रख लीजिए, जो भी आपको सरल पड़े वो करिए. चलते हैं हम आगे. ट्रांसलेशन देखेंगे आपको सभी टेंसेस के हैं. पहला है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे आपको समझ में आ जाएगा. उसका भाई कक्षा 10 में पढ़ता है. तो ये किस टेंस का है, सबसे पहले हम ये जानेंगे. पढ़ता है, ताती पे लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. यदि आपने टेंस पहचान लिया तो ट्रांसलेशन करना पहले से. तो हिज ब्रदर स्टडीज इन क्लास 10, यानी कि आप टेंस पहचान लिए तो टेंस की पहचान में जानते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं और इसमें इज आर एम नहीं लगता है, यानी कि है हुए की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है और प्लूरल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इसमें उसका भाई पढ़ता है, यानी कि किसी सिंगुलर के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए इसमें हिज ब्रदर स्टडीज इन क्लास 10. समझ में आ गया टेंस आपको और इसका हमने वीडियो भी बना रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, टिपिकल टाइप का, यानी कि आप उसको हमारे वीडियो में जाएंगे देख लेंगे समझ लेंगे. नेक्स्ट है, मैं प्रातः काल जल्दी उठता हूँ. हर एक टेंसेस से दो दो सेंटेंसेस हमने लिए जो आपके परीक्षा में हमेशा रन करते रहते हैं, तो अच्छी तरह से समझिए. मैं प्रातः काल जल्दी उठता हूँ. I get up early in the morning. I get up, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे एक सिंगुलर का दिया है तो यहाँ पे प्लूरल का. मैं के साथ में जो यहाँ प्लूरल है नहीं मैं, लेकिन मैं के साथ में आई के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है get up. यहाँ पे get get जो दिया है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उठने के लिए get up का यूज किया गया है early in the morning. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आएगा हमारा is आर एम, जहाँ लिंकिंग वर्ब का काम करता है. ऐसे भी सेंटेंसेस दिए हैं. इस आर एम का यूज जहाँ पर लिंकिंग वर्ब के रूप में किया जाता है वो भी प्रेजेंट टेंस का ही माना जाता है. वो देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में. भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है. इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट और फ्री कंट्री. यहाँ पे हम लिखेंगे इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ये भी लिख सकते हैं, अथवा इंडिया इज अ फ्री कंट्री. यदि आप हमने दोनों दिखा दिया कि आपको फ्री अच्छा लगे तो फ्री लिख लीजिए और इंडिपेंडेंट लगे तो इंडिपेंडेंट लिख लीजिए, दोनों ही सही है. नेक्स्ट, ये तो हमेशा आ रहा है 25-30 वर्षों से, जब मैं पढ़ा करती थी तब भी ये कभी छूटा ही नहीं है. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये हमेशा आता है, हमेशा बना ही रहता है. इसको तो आप समझ जाए तो अच्छी बात है, ना समझे तो माइंड में बैठा लीजिए. ईमानदारी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. यहाँ पे इन इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में दोनों सेंटेंसेस में इज जो है दो वर्ड्स को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह वर्ड्स यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है. मेन वर्ब के साथ साथ यह लिंकिंग वर्ब, यहाँ पे हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे, ये लिंकिंग वर्ब का काम करती है.
नेक्स्ट है पैरी बारिश हो रही है, ये भी हमेशा आता है, बहुत ही सिंपल और सरल है, ये कॉन्टिन्यूअस का है, लगातार को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बारिश हो रही है यानी कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, तो इसमें इस आर एम एक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है। बारिश हो रही है इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है इट इज रेनिंग। नेक्स्ट, मेरे विद्यालय में 50 शिक्षक हैं, तो मेरे विद्यालय में 50 शिक्षक हैं, यह सेंटेंस भी आप ऐसे लिखते हैं, स्कूल पर लिखते हैं उनमें भी ऐसे सेंटेंस आते रहते हैं, बट ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें हम सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं खोज पाते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट किसे बनाए, ऐसे सेंटेंसेस में देयर आर का, देयर इज देयर आर का प्रयोग टीबीएन फॉर्म होता है, हम उसका वीडियो बना देंगे, आपको समझा देंगे। टीबीएन टी का मतलब होता है देयर, बी का मतलब बी फॉर्म, एन का मतलब उसके साथ में यूज किया गया नाउन होता है। यहाँ पे उसी का यूज किया गया है, ये आपके लिए जो हम अभी टीबीएन बता रहे हैं नया है, आपके लिए नया है, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप यूज करेंगे देयर आर, यानी मेरे विद्यालय में 50 शिक्षक हैं, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो देयर आर 50 टीचर्स इन माय स्कूल। मैंने कल एक फिल्म देखी, मैंने कल एक फिल्म देखी, चूंकि यह फिल्म कल देखी गई है, पास्ट में देखी गई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। तो आई सॉ अ फिल्म स्टडी, मैंने देखा यानी कल बीते हुए समय में मैंने देखा, इसे आई सॉ अ फिल्म स्टडी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या सैनिक युद्ध में लड़ेगा या युद्ध लड़ेगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हुआ। विल द सोल्जर फाइट इन द इन द बैटल, क्या सैनिक युद्ध में लड़ेगा, इसलिए इसका यूज जो किया गया है, इनका यूज यहाँ पे दिखाया गया है प्रीपोजिशन का भी। विल द सोल्जर, विल द सोल्जर फाइट इन द बैटल, ठीक, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वह पतंग उड़ाएगा, ये भी है फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है, विल और शैल का यूज किया गया है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव में है, जो इंट्रोगेटिव हमारा यस या नो में आंसर आता है उसे दिया गया है, और ये जो हमारा है ये सिंपल यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस का दिया गया है। ही विल फ्लाई अ काइट, क्या वह पतंग उड़ाएगा, ही विल फ्लाई अ काइट। नेक्स्ट है नौकर दरवाजे पर खड़ा है, ये किस टेंस का है, खड़ा है, है ना, तो हमने बताया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ उसका, एक्सप्लेन ढंग से करी हुई हूँ, देख लेंगे आप उसमें, यानी कि जिसमें खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है और बीमार है, ये चीजें जिनमें से कार्य जारी रहने का बोध होता है वह कॉन्टिन्यूअस का होता है, वह क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का होता है, इसलिए नौकर दरवाजे पे खड़ा है, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद इसका यूज, फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म और फिर हम अदर। तो द सर्वेंट इज स्टैंडिंग एट द डोर, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और समझते चलिएगा, जहां भी न समझ में आएगा कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, उसको मैं वहीं पे आंसर दे दूंगी। नेक्स्ट देखिए, लड़कियां बगीचे में क्यों खड़ी हैं, अभी खड़ी होने का आ गया, तो खड़ा जहां आया हमने बताया अभी जस्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो ये कॉन्टिन्यूअस में आपका डब्ल्यू एच वर्ड्स यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दिया गया है, जिसमें होगा लड़कियां बगीचे में क्यों खड़ी हैं, इसका बीच में आया है क्यों, क्यों किससे बना है, वाई से, तो ये वाई से बना और ये कॉन्टिन्यूअस का इज आर एम लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए गर्ल्स है तो आर लग गया, वाई आर गर्ल्स स्टडिंग इन द गार्डन, समझ में आ गया होगा आपको। माता जी खाना बना रही थी, ये भी कॉन्टिन्यूअस का है बट कौन सा कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन सा एक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, वाज और वर, वाज और वर, तो सब्जेक्ट का कैसा होना हमारा, यदि सिंगुलर है तो वॉस और प्लूरल है तो वर का यूज करते हैं। तो माता जी खाना बना रही थी, एक ही मम्मी है, तो यहाँ पे मदर वॉस कुकिंग। नेक्स्ट, शिक्षक हमें पढ़ा नहीं रहे थे, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है
और नेगेटिव में यूज किया गया है। शिक्षक हमें पढ़ा नहीं रहे थे, अब बता दिया है कि कंटीन्यूअस का है। और नेगेटिव में तो नेगेटिव के साथ में क्या होता है, उसके एक्सिलरी वर्ब के साथ में नॉट लग जाता है। तो देखेंगे ट्रांसलेशन, द टीचर्स वर नॉट टीचिंग अस, यानी टीचर्स हमें पढ़ा नहीं रहे थे। नेक्स्ट, क्या बिमला ने अपना पार्ट याद कर लिया है? क्या बिमला ने अपना पार्ट याद कर लिया है? ये किस टेंस का हो गया है? ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सिलरी वर्ब लगता है हैज और हैव, और उसके साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। अब ये आपका आया है किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसका वाई और एन में आंसर हमें प्राप्त होता है, या यस यस या नो में, तो उसकी एक्सिलरी वर्ब को हम वाक्य के प्रारंभ में रख करके उस सेंटेंस को बनाते हैं। हैज विमला लर्न हर लेसन। नेक्स्ट, मैंने ताजमहल देखा है। मैंने ताजमहल देखा है, यानी कि देखा है, देख चुकी या देख चुका है, कार्य खत्म हो चुका है। ये भी क्या हो गया आपका? परफेक्ट टेंस का हुआ, यानी चुका चुकी, और लिया लिया दिया, यानी जिससे कार्य के खत्म होने का बोध होता है, वो परफेक्ट माना जाता है। तो मैंने ताजमहल देखा है, यानी देख चुकी है ना, कार्य खत्म हो गया। तो ये किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अभी भी ये भी है और ये भी हमने बताया हैज और हैव, एक्सिलरी वर्ब लग रहा है, ये भी हमारा है। आई हैज सीन द ताजमहल, यानी कि मैंने देखा है। तो इसमें देखिए आपका सिंपल सेंटेंस है ये, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव के साथ में सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड रूप यूज किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। वे एक घंटे से मैच खेल रहे हैं। मैच खेल रहे हैं एक घंटे से। अब इसमें रहा रही तो लगा है, बट क्या लगा है? टाइम लगा है। टाइम, तो टाइम किसमें लगा होता है? टाइम जो लगा होता है वो लगा होता है परफेक्ट, यानी कि वे एक घंटे से खेल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं तीनों टेंसेस के, उनमें से टाइम के साथ में जो यूज किया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस माने जाते हैं। और इसके इससे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो रहे हैं वर्तमान को ये दर्शा रहा है, इसलिए वे एक घंटे से मैच खेल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन और हैज बीन नामक एक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है। मेन वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, और समय के लिए, टाइम के लिए सिंस और फॉर के लिए। तो सिंस निश्चित समय के लिए किया जाता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। निश्चित जो टाइम होता है हमारा उसके लिए यूज किया जाता है। तो वे एक घंटे से खेल रहे हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये अनिश्चित समय है। यदि दिया होता वह एक बजे से खेल रहे हैं तो वो निश्चित टाइम होता, और यदि एक घंटा दिया हुआ है तो क्या है, ये अनिश्चित है, इसलिए वर्ब का यूज किया गया। तो ट्रांसलेशन देखेंगे, दे हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर एन आवर। समझ में आता होगा आपको। और इनके सारे वीडियोस का मैं स्ट्रक्चर के रूप में चार्ट बना के दे दूंगी, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो आप देखते रहिएगा, लगातार बने रहेंगे, तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी ऑफिस से लौट चुके। अब ये देखिए किस टेंस का है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का, बट एक दिन मैंने बताया है आपको, वीडियो में भी बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब मैं पढ़ा रही हूँ उसमें बिफोर और आफ्टर का यूज किया जाता है। बिफोर और आफ्टर का यूज किया जाता है, जो दो टेंसेस को बना मिला के बनते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें क्या लगा है, मेरे घर पहुंचने से पहले, यानी इसमें यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है, इसमें बिफोर का यूज किया गया है। तो इसका रूल क्या कहता है कि जिस सेंटेंस में बिफोर लगा होता है तो जो कार्य पहले किया जाता है, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी ऑफिस जा चुके थे, तो माय फादर, यानी कि पहले कौन सा काम हो रहा है, पिताजी के ऑफिस जाने का, तो उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में करेंगे।
जो कार्य पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में तथा जो कार्य बाद में होगा उसका हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में यूज करेंगे और दोनों के को ऐड करने के लिए दोनों सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए बिफोर का यूज किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ कौन सा काम हो रहा है, पिताजी ऑफिस से लौट चुके थे तो माय फादर हैड रिटर्न्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में, पास्ट परफेक्ट में ओनली हैड लगता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसमें कोई भी एब्सोल्यूट वर्ब नहीं लगता। माय फादर हैड रिटर्न्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर आई रीच्ड, समझ में आ गया होगा और इसको अच्छी तरह से ध्यान दे लीजिएगा, आपकी परीक्षा में ये आना ही आना है 100%। नेक्स्ट, कविता दो घंटे से तैर रही होगी, अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो गया पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है दो घंटे से क्योंकि उसमें टाइम लगा हुआ है। पहले बता दिया कि जिनमें टाइम लगा होगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का माना जाएगा चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट हो या फ्यूचर, फ्यूचर आपके सामने है। कविता दो घंटे से तैर रही होगी और रोल वही हमने बताया कि निश्चित समय के लिए फॉर सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का यूज। तो अब इसका देखेंगे, कविता विल है, हाँ एक चीज और है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन सहायक क्रिया का यूज किया जाता है। तो सविता विल हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, क्या मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं? ऐसा एक और आया है टीचर्स के बारे में, बट वो सिंपल दिया है, अफर्मेटिव में दिया है, ये आपका इंट्रोगेटिव में। तो ये विद्यार्थी हैं, यहाँ भी लिंकिंग वर्ब का काम किया गया है, यानी टीवीएम फॉर्म में भी दिया गया है। आर देयर 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, यहाँ भी आप ध्यान देंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी आते हैं जो मॉडल के रूप में यूज किए जाते हैं, उनका ट्रांसलेशन भी आता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के साथ में स्पोकन के रूप में भी इनका यूज किया जाता है और ये आते ही हैं। तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यहाँ पे कैन का यूज किया गया है जो मॉडल है, तो यहाँ पे कैन के लिए सत्य और सामर्थ्य जो मॉडल पढ़ाएंगे तो उसमें आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। अभी तो यहाँ ट्रांसलेशन के रूप में मैं बता रही हूँ तो थोड़ा सा टच करते हुए चल रही हूँ, यहाँ ये कैन क्या है, मॉडल है, यहाँ पे शक्ति और सामर्थ्य को दिखाने के लिए कैन का यूज किया जाता है। प्रेजेंट, प्रेजेंट में यदि बात कर रहा हूँ कोई तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, सिंपल सा ट्रांसलेशन है आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं संस्कृत बोल सकता हूँ, ऐसे तो यहाँ पे कैन लगा करके जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे आना है वो कर देना। नेक्स्ट, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, यहाँ पे ऑट टू का यूज किया गया है, ऑट टू का यूज किया गया है, इसका भी यूजेस आप करेक्ट दी ऑप्शन में पढ़े हैं उसमें आता है। तो हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, वी ऑट टू ओबे मदर एंड फादर, अथवा इसको कर सकते हैं वी ऑट टू ओबे पेरेंट्स, पेरेंट्स का माता पिता आ रहा है तो पेरेंट्स भी हम कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको ऑट टू का यूज। नेक्स्ट है, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, सही बात है, अंग्रेजी ही नहीं सभी भाषा सीखनी चाहिए, बट यहाँ अंग्रेजी आया है, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यहाँ पे शुड का यूज किया गया है, शुड ये भी क्या है आपका, ये शुड क्या है, मॉडल है, यहाँ पे मॉडल का यूज किया गया है, वी शुड लर्न इंग्लिश, या नैतिकता को दिखाने के लिए ऐसा जो यूज किया जाता है वो शुड का यूज किया जाता है। तो सीधा सा देख देंगे कि जहाँ चाहिए का अर्थ आ रहा है सिंपल में नैतिकता दिखाने के लिए, वहाँ शुड का यूज कर देंगे, चाहिए के लिए ऑट टू भी होता है और मस्ट भी होता है, इनका भी सेंस चाहिए होता है, लेकिन सबके सेंस अलग अलग होते हैं, जब मैं मॉडल पढ़ाऊंगी तो सबको अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है, कल छुट्टी है, यहाँ पे टुमारो, ये कल छुट्टी है, कल छुट्टी थी, ये टुमारो और यस्टरडे का यूज किया गया है यहाँ पर,
तो कल छुट्टी है इसको सिंपल भाषा में टुमारो इज हॉलिडे ऐसा भी बोला जा सकता है। और ग्रामेटिकल के रूप में लिखेंगे आप, ओरल बता रही हूँ, लिखी नहीं हूँ, ओरल सुनेंगे आप, इट इज हॉलिडे टुमारो, इट इज हॉलिडे टुमारो। इसी तरह से कल छुट्टी थी तो ये भी गलत नहीं है। आजकल आज के ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, आज के ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, टुमारो इज हॉलिडे, कल छुट्टी थी, यस्टरडे वाज हॉलिडे। और यदि ग्रामेटिकल के रूप में बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो इट वाज हॉलिडे यस्टरडे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे वीडियो से लगातार बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और आगे भी जो भी समझ में आए वो पूछते रहिए हमें बाय कमेंट्स। Thanks for watching again and again.